हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा न्यूज है कि वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नर्सिंग में, फार्मेसी में या अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं या किसी कारण से अभी तक उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उनके पास एक फिर से मौका है। तो ये देखिए क्या है नोटिफिकेशन जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स बताऊँगा ए टू जेड, पूरा वीडियो देखिएगा आप। तो बिहार सरकार द्वारा एक नए यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में। ये यूनिवर्सिटी 2023 से शुरू हुआ है और 24-17 से इस साल से पहली बार इसमें नामांकन हो रहे हैं। तो देखिए, ये पिछले दूसरे राज्यों में इस तरह के सिस्टम है, इंजीनियरिंग के लिए अलग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कोर्सेज के लिए अलग, तो बिहार में भी सिस्टम के इस तर्ज पे बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के नाम से मीठापुर पटना में ये यूनिवर्सिटी है। और अब जितने भी नर्सिंग संस्थान हैं, फार्मेसी इंस्टीट्यूट हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेज हैं, जितने हैं सब इसी यूनिवर्सिटी द्वारा रन किए जाएंगे। तो थोड़े से लेट से इसका एडमिशन संबंधी नोटिस आया हुआ है, तो इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप इस फॉर्म को भरिए, आपके लिए एक अच्छा अवसर है बिहार से ही नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज करने का। देखिए, ये इसमें दिया गया है कि जितने भी बीएससी नर्सिंग के या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कोर्सेज हैं, फार्मेसी में भी फार्मा एम फार्मा कोर्सेज है, पैरामेडिकल है, उसमें 2024 सेशन में नामांकन के लिए 8/9/2024 यानी 8 सितंबर को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। मतलब सितंबर में परीक्षा होगी और ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है, यहाँ देखिए, मतलब कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो 20 जुलाई से ये फॉर्म भरा जा रहा है, 19 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी पूरा एक महीना समय दिया गया है। तो ये आवेदन इसमें चालू है, तो आप सभी इसको ऑनलाइन आवेदन करा लें, 19 अगस्त तक आवेदन का डेट है, आवेदन करा लें। 2 सितंबर से एडमिट कार्ड इशू होने चालू हो जाएंगे और 8 सितंबर को 9 बजे से 12 बजे यानी 3 घंटे के सिटिंग में आपके पेपर होंगे, ठीक है। तो अन्य जो जानकारी है ये यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है, buhs.ac.in, आप इस पे जाएंगे तो पूरा डिटेल्स प्रोस्पेक्टस जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न और योग्यता संबंधित और अन्य फीस संबंधित जानकारी सारा है। तो सभी स्टूडेंट, जो भी पेरेंट्स टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दें। जो बच्चे इस साल बायो से उन्होंने इंटर पास किया है यानी +2 12वीं किया है उन्होंने, इसके अलावा जो उन्होंने जीएनएम जो लोग कोर्स किए हैं वो लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये कोर्स, ये मास्टर कोर्स है। और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो, एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेकर ट्यूटर बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर। फार्मेसी में 2 कोर्सेज हैं और पैरामेडिकल में और बहुत सारे कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इस तरह के उसमें कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल में। तो ये बिहार के अधिकांश कॉलेज जो हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं, तो आपका एडमिशन इस एंट्रेंस के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो इसके डिटेल्स पे आएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं फॉर्म भरने को लेकर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने घर परिवार दोस्तों तक, अपने ग्रुप में। तो डिटेल्स ज़्यादा जानना है आपको अभी, तो आप buhs.ac.in टाइप कीजिएगा गूगल पे, तो वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे पूरा डिटेल्स इसका दिया हुआ है। तो ये जो था कि आपको नर्सिंग करना है और फार्मेसी करना है, पैरामेडिकल कोर्स करना है, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो बिहार के यूनिवर्सिटी द्वारा, ये राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है, बिहार सरकार की अपनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है आफ्टर नर्सिंग एंड फार्मेसी, वो ज़्यादा जल्दी और बेटर तरीके से हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है नर्सिंग कोर्स या फिर फार्मेसी कोर्स या पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए, ठीक है। और इन सब में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी सुविधा उपलब्ध है,
स्टूडेंट के लिए। तो आप सब इस फॉर्म को ज़रूर भरें, और फॉर्म भरते समय कोई कठिनाई हो या अन्य कोई सवाल हो या एग्ज़ाम संबंधित आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7033151599, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।